हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही छोटे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस बहुत अच्छा इंक्रीज़ होगा दोस्तों, और आप लोगों को आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। प्राइस बहुत ही छोटा है, प्राइस रेंज अराउंड बिलो 50 है, 25 रुपीज़ का स्टॉक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो ये वो स्टॉक है दोस्तों जिसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो GMR इंफ्रा नाम की कंपनी है, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है दोस्तों। अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 25 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि दोस्तों जब भी किसी कंपनी का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला होता है तो हमें खरीदना या बेचना चाहिए, बिल्कुल खरीदना ही चाहिए। तो आप समझ गए दोस्तों इसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, आपको खरीदना, ठीक है? कोई भी आगे पीछे दाएँ बाएँ नहीं देखना, ठीक है? अभी जो इसका देख रहे हो करंट मार्केट प्राइस जो 25 में चल रहा है, इसी प्राइस पर, ठीक है, दम भर। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो स्टॉक है काफी हाई लेवल से करेक्ट हो चुका है, काफी ज्यादा हाई लेवल से करेक्ट हो चुका है। अब इसके पीछे तो मैं वजह बता देता हूं दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ज्यादा पिटा क्यों था, ठीक है? अराउंड 800 या 900 का ये स्टॉक जो है हाईएस्ट मारा था। दिखा देता हूँ दोस्तों मैं आपको पूरा चार्ट में, 5 ईयर का चार्ट में दोस्तों। यहां पर तो अभी आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन ये 900 का हाईएस्ट मारा है, ठीक है दोस्तों। तो अभी फिलहाल यहाँ पर 130 के आसपास ही दिखा रहा है, ठीक है? तो ये स्टॉक दोस्तों गिरा एक ही कारण है इसके गिरावट के पीछे दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर जो है कर्ज बहुत भारी मात्रा में जो है हावी हो गई थी। मतलब कि दोस्तों इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्ज था, इस कारण ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा गिरता रहा। उसके बाद दोस्तों ये जो कंपनी है वो इसका कॉन्ट्रैक्ट आया था दोस्तों दो जगह से, ठीक है? पहला जो आया था दोस्तों कैंसिल हो गया था, दूसरा भी जो आया था वो कैंसिल हो गया था दोस्तों, ठीक है, एयरपोर्ट के मामले में। और दोस्तों एयरपोर्ट के जितने भी हिस्सेदारी होती है दोस्तों ऐसी कंपनी में, तो 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी वो नहीं ले सकते, ठीक है? तो ऐसे ही दोस्तों इस कंपनी का क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, और कैश फ्लो भी नहीं था इस कंपनी के पास, और कर्ज भी बहुत ज़्यादा था। इस वजह से दोस्तों ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो अभी हम देख लेते हैं कि इस कंपनी के पास कर्ज कितना है दोस्तों। इस कंपनी के पास यहाँ पर देख सकते हैं टोटल डिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है दोस्तों? ये देख लीजिए यहाँ कितना कर्ज है कंपनी के पास, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 6,237.48 का इतना कर्ज है इस कंपनी के पास। ये तो थोड़ा अभी कम हुआ है, पहले और ज़्यादा था, ठीक है? तो अभी क्या हुआ दोस्तों, कंपनी के पास नया कॉन्ट्रैक्ट आया है, और बेटर देन दैट, मतलब उससे भी अच्छा आया है दोस्तों, उससे भी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट। और इसको जो है इसमें प्रॉफिट का मार्जिन और ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों, 5% या 4% के आसपास इस कंपनी में अब भी जो है प्रॉफिट का मार्जिन और ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए इस कंपनी में जो है इतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है, और प्रॉफिट में प्रॉफिट हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ दोस्तों, ये कंपनी कितना हाइएस्ट से कितना नीचे आई है, और यहाँ पर देख लीजिए कितने लोग जो है बोल रहे हैं बाय करने के लिए, कितने लोग जो है सेल करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाय करने के लिए दोस्तों 88%, मतलब कि अराउंड 90% लोग बोल रहे हैं कि आपको खरीद के चलना चाहिए ऐसी कंपनी को, ठीक है? और अभी तो यहाँ पर देख लो दोस्तों जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं सब बुलिश है। यहाँ पर देख लीजिए टेक्निकल देख लो, मूविंग एवरेज देख लो, यहाँ पर भी देख लो दोस्तों, जो भी यहाँ पर देख लो सब बुलिश दिखाए जा रहे हैं आपको, ठीक है? तो ये कंपनी को देखिए, कंपनी यहाँ पर 125 रुपीज़ को टच किया था यहाँ पर दोस्तों, ठीक है? और उसके बाद तो 125 के बाद अभी तो आपके सामने यहाँ पर देख ही सकते हो 25 रुपीज़ में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है? तो अगर ये कंपनी दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही इंप्रूवमेंट करते रहा, कम से कम अपना अगर रिकवरी भी कर लेता है, तो आपको आने वाले दिनों में अच्छा से अच्छा जो है प्रॉफिट हो सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना चाहती है दोस्तों, तो ऐसी कंपनी को थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होगा, और ये थोड़ा बहुत ले के दोस्तों आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट करवा देगा। और इतना होने के बावजूद भी दोस्तों कंपनी के पास यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में 63.6% का प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? 66%, 63%, मतलब कि 60% के आसपास जो है प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है। तो दोस्तों इतना तो रहना ही चाहिए एक अच्छे से अच्छे कंपनी में। तो देखिए प्रमोटर्स ने अभी तक हार नहीं माना, ठीक है? तो अगर आप ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो लगा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है आपको बुलिश दिखाया जा रहा है,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दोस्तों सबसे पहले आती है जीएमआर इंफ्रा, उसके बाद आता है लार्सन एंड टुब्रो। आपको पता ही है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 1259 के आसपास इसका प्राइस चल रहा। तो जीएमआर इंफ्रा में आज के डेट में तेजी है और लार्सन एंड टुब्रो में थोड़ी बहुत गिरावट है, बाकी सब आती है दोस्तों बाद में आती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको भी देखना जरूरी है, क्योंकि जब प्रॉफिट मिलेगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब प्रॉफिट आपको मिलेगा तो दोस्तों लॉस के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत खबर तो रखनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, हमें लॉस के बारे में सोचना है। लॉस के बारे में सोचने से क्या होगा, हम लॉस को मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है, मिनिमाइज़ करेंगे। प्रॉफिट चाहे जितना भी हो, भले ही थोड़ा कम हो या एक्स्ट्रा हो, उससे दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें प्रॉफिट के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, हमें लॉस के बारे में सोचना चाहिए कि लॉस हमें कितना हो सकता है। भले ही 1 लाख रुपया मैंने लगाया और मैं देखता हूँ कंपनी अगर अच्छे से काम काज कर रही है, आने वाले दिनों में अगर वो मुझे अच्छा से अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम ये बताओ उसमें रिस्क कितना है, कि वो मेरा कितना कैपिटल को जो है कंज्यूम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, 20% 30%। तो वो चीज़ देखना है कि अगर मैं 20-30% का रिस्क लेता हूँ तो क्या मुझे उससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ऐसे रिस्क एंड रिवॉर्ड देख के पैसा लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग, भले ही थोड़ा सा महंगा है लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।